फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। राजस्थानी गट्टे की सब्जी तो हमने बहुत बारी खाई होगी, पर आज हम बनाएंगे फ्राइड गट्टे की सब्जी। फ्राइड गट्टे को हम 5 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत इजी होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए बनाते हैं फ्राइड गट्टे की सब्जी। सो फ्रेंड्स, फ्राइड गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमको इन सब चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिया है तेल। तेल मैंने ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि मैं गट्टे को इसमें फ्राई भी करूंगी। 1 कप यहाँ पे हमने लिया है बेसन। 1 कप यहाँ पे हमने लिया है दही। दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हुए कटा हुआ टमाटर 1 कप। 1 कप प्याज का पेस्ट, पिंच ऑफ हींग, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 मिर्च को यहाँ पे मैंने काट लिया है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे गट्टे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बोल। बोल में मैं डालूंगी 1 कप बेसन, 1/2 चम्मच नमक का, पिंच ऑफ इसमें डालेंगे हम हल्दी, 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे तेल मोयन के लिए। अब हम इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मोयन कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा मोयन एकदम परफेक्ट है। ये अच्छे से यहाँ पे इस तरह गोला बन रहा है तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये गट्टे का टाइट डो एकदम तैयार है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक वेसल, गैस को मैं जला देती हूँ और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। हम पानी को गर्म होने देते हैं। यहाँ पे मैं 3 बड़े कप पानी डाल रही हूँ। ये मैं गट्टे को बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डाल रही हूँ। जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तब तक हम अपने गट्टे को तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं इसको एक गोला बना लेती हूँ इसका कुछ इस तरह, और फिर मैं इसको अपने पाम की सहायता से कुछ इस तरह बना लेती हूँ। और इस तरह हम बना लेंगे सारे और साइड में रख देते हैं। हमको एकदम टाइट डो बनाना है। अगर हम सॉफ्ट डो बनाएंगे तो पानी में जैसे ये बॉईल होगा तो ये पूरा फैल जाएगा, इसलिए हमको एकदम टाइट डो बनाना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने एकदम तैयार कर लिया। ये मैंने 4 बनाए पर इसको 3 लोग अच्छे से खा सकते हैं। तो अब मैं इसको गर्म पानी में डाल दूंगी और इसको हम बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं पानी में बहुत ज्यादा उबाल आ रहा है। जब पानी में बहुत ज्यादा उबाल आएगा तभी हम अपने गट्टे डालेंगे। तो अब मैं डाल देती हूँ हमारे गट्टे जो अभी हमने प्रिपेयर किए थे। एक एक करके डालेंगे हम इसको, एक दूसरे से अलग डालेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसको 15 मिनट तक उबलने देते हैं, फिर हम इसको निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे गट्टे में दाने दाने आ गए। तो इसका मतलब ये एकदम तैयार है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में धीरे से करके और गैस को मैं कर लूंगी बंद। हमारे गट्टे सॉफ्ट बने थे इसलिए टूट गए, तो कोई बात नहीं। सो फ्रेंड, गट्टों को मैंने ले लिया सर्विंग प्लेट में। हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही छोटे पीसेस कट कर रही हूँ और देखिए ये बिल्कुल भी नाइफ पिन चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये एकदम अच्छे से कुक हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गट्टे को अच्छे से काट लिया। तो अब मैं इसको फ्राई करूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो गट्टे का पानी है ये बहुत यूजफुल है, तो हम इसको गट्टे की ग्रेवी में यूज करेंगे। तो इसको मैं रख लेती हूँ साइड में। सो
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ली हुई कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी तेल डाल दिया है। मैं थोड़ा तेल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को गट्टों को तलना है इसलिए। तो अब मैं गैस को जला देती हूँ और तेल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया, तो अब मैं इसमें डालूंगी हमारे गट्टे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, धीरे धीरे करके डालेंगे। हमको इसको एकदम गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तेल में। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकती हैं ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, धीरे से निकालेंगे हम। और फ्रेंड्स इसी तरह मैं अपने सारे गट्टों को भी डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स हमारे सेकंड बैच के भी गट्टे एकदम तैयार है, इसको भी मैं बाहर ले लेती हूँ, धीरे से लेंगे हम। तो फ्रेंड्स अब मैंने गट्टे को एकदम फ्राई कर लिया। आप चाहे तो इसको आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, चाय के साथ परा भी हम बनाएंगे इसकी सब्जी। तो अब हम इसका बनाते हैं तड़का। सो फ्रेंड्स हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे इसका तड़का। कढ़ाई में तेल थोड़ा ज्यादा है तो तेल को थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स जो अभी कढ़ाई पे तेल है ये सिर्फ 4 चम्मच तेल है। तो अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा का। जीरा को हम तड़कने देते हैं। जीरा हमारा यहाँ पे अच्छे से तड़क चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ हींग जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इन सबको हम अच्छे से स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटावा प्याज। यहाँ पे मैं 1 कप कटावा प्याज ले रही हूँ। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे इसमें और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा सब कुछ अच्छे से भुन चुका है, तब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को काटा था और अब हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इन सब में। फ्रेंड्स अब हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें डालूंगी हमारे मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर का, पिंच ऑफ हम डालेंगे हल्दी, 1/2 से थोड़ा कम हम डालेंगे नमक क्योंकि नमक मैंने अपने गट्टे में भी डाला था, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे इसमें। जैसे ही मसाले तेल छोड़ना स्टार्ट कर दे तब हम डालेंगे हमारी दही। तो फ्रेंड्स हमारा मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही और दही को भी हम इसमें अच्छे से पका लेंगे। रेगुलर चलाते रहेंगे इसको ताकि हमारा दही फटे ना। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। अब दही ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च
अब हम इसमें डालेंगे गट्टे का पानी। आप चाहें तो आप इसमें नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। गट्टे के पानी से इसमें बेसन का स्वाद आता है, इसलिए यहाँ पर हम गट्टे का पानी डाल रहे हैं। और अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे गट्टे। ये गट्टे आप बाहर रेडीमेड भी मिलते हैं, पर इसको घर में बनाने का ये आसान तरीका था। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे गट्टे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको 10 मिनट तक चलने देते हैं ताकि हमारे गट्टे सॉफ्ट हो जाए और उसमें सारा मसाला अच्छे से चला जाए, और फिर हम इसको लेंगे सर्विंग प्लेट में। और फ्रेंड्स, अब हमारा ये एकदम तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ गरम मसाला और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और अब मैं ले लेती हूँ इसको सर्विंग बोल में और गैस को बंद कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारी फ्राइड गट्टे की सब्जी एकदम तैयार है। मैं इसको गार्निश करूंगी स्लाइस्ड ऑनियन से। पे मेरे पास ग्रीन चिली, मैं इसको भी इससे गार्निश कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारी राजस्थानी फ्राइड गट्टे की सब्जी एकदम तैयार है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने फ्राइड गट्टे की सब्जी बनाना कितना इजी होता है। इसको हम रोटी, पूड़ी, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप भी बनाइए अपने घर में फ्राइड गट्टे की सब्जी और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वापस मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।